हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा थाल का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसको बनाना जितना आसान है उससे भी कम इसमें ऊन लगेगा आपके पास जो थोड़े थोड़े से ऊन बच जाते हैं जैसे ये ऊन अब किसी काम के नहीं है इतने से ऊन में कोई भी एक चीज़ कंप्लीट नहीं होगा तो हम इन ऊन का यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा थाल बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें हम सबसे पहले एक वाइट कलर का ऊन लेंगे और सात नंबर का क्रॉस क्रॉसिया है यहाँ पे पहले एक गार्ड लगाएंगे फिर चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः चैन बनाएंगे पहले फिर इसको फर्स्ट वाले में यहाँ पे एक सिंगल चैन से इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे कर लिया ज्वाइंट अब एक चेन बनाएंगे और जो सर्कल बनाया था उसमें से हम सिंगल क्रॉस ये बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ पे टोटल ग्यारह सिंगल क्रॉस ये बनाएंगे और जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रॉस या से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइंट अब एक चैन बना के धागा को यहाँ बांध लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे कर लिया कट अब इसके बाद हम इसमें कलरफुल ऊन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये पैरेट कलर का ऊन लिया है इसको किसी भी एक चैन में पहले ज्वाइंट करेंगे कर लिया ज्वाइंट अब इसके बाद चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे टोटल बारह चैन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला चैन है वहाँ पे इसको एक सिंगल क्रॉसे से ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ले ज्वाइंट फिर बारह चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन बनाया फिर से फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में फिर एक सिंगल क्रॉसे से इसको ज्वाइंट करेंगे कर लिया ज्वाइंट फिर से बारह चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन बनाया फिर इसके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रॉसेस से इसको ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइंट ऐसे ही करके हमें यहाँ पूरे में बनाना है पूरा बना के दिखाती हूँ बना लिया पूरा इसमें टोटल बारह ऐसे बने हुए हैं लाइंस अब हम लास्ट वाले लाइन को फिर यहाँ पर बारह चैन बना के बारह चैन बनाया और जो यहाँ पे हमने जहाँ से शुरू किया था बनाना उसी जगह पे इसको एक सिंगल क्रॉसे से ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइंट अब एक चैन बना के एक्स्ट्रा धागा कट करके और धागा को यहाँ पे बांध लेंगे बांध लिया अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा है उसको थोड़ा बड़ा करके कट करेंगे और इसको नीचे के साइड ले जाके इस धागे को नीचे के साइड लेके जाएंगे और फिर यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे कर लिया कट ये एक फ्लावर तैयार है अब हम दूसरा भी ऐसा ही बनाएंगे सेम हम दूसरा बनाने के लिए फिर से पहले वाइट वाला बनाएंगे ये जो हमने वाइट वाला बनाया था सेम ऐसे ही यहाँ बनाएंगे एक और और फिर इसमें तीन ये लाइन बनाएंगे फिर तीन लाइन बना के दिखाती हूँ कि इसको ज्वाइंट कैसे करना है बना लिया इसमें मैंने ये तीन लाइन अब यहाँ पे छः चैन बनाएंगे पहले हमें इसको संग एक साथ ही ज्वाइंट करते जाना है अब छः चैन बना के हम इस वाले फूल को लेंगे और जो यहाँ पे है इसको सीधे के साइड से क्रॉसियर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे फिर इनको यहाँ पे एक चैन लगा के बांध लेंगे बांध लिया फिर छः चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छह चैन बनाया फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रॉसे बनाएंगे फिर छः चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छह चैन बनाया फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में सेम ऐसे ही इसको एक सिंगल क्रॉसे से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइंट फिर छः चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः चेन बनाया फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रॉसी बनाएंगे बना लिया फिर छः चेन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले में इसको एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे हमें ध्यान रखना है कि दोनों फ्लावर सीधा होना चाहिए सीधे की साइड से हमें इसको ज्वाइंट करना है कर ले ज्वाइंट फिर छः चेन बनाएंगे बना लिया छः चेन अब इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे अब फिर यहाँ पे अब बारह चैन बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में बनाया था बना लिया बारह चैन फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल से ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे ही करके हम छः और बनाएंगे, छः हमने इस साइड बनाया था बना लिया ये हमने दो जॉइंट कर लिया ऐसे ही हमें सारे जॉइंट करने हैं इस साइड अब फिर एक और ज्वाइंट करके दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने तीन बना लिया है अब हमें इसे यहाँ पे क्या करना है मैं ऊपर की साइड में इसको ज्वाइंट करके दिखा रही हूं यहां पे अब इन तीन में जो इसके सीधे में है यहां पे इसको ज्वाइंट करेंगे एक चैन से इसको यहाँ पे सीधे के साइड में ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइन फिर छह चैन बनाएंगे बना लिया छह चैन बना के इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रॉस जैसे इसको ज्वाइंट कर लेंगे फिर छः चैन बनाएंगे बना लिया छः चैन अब ऐसे ही करके इस तीनों में ये ज्वाइंट कर लेंगे फिर छः बारह बारह चैन बना के और फिर ये फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे कर लिया कंप्लीट, ये तीन हमने ज्वाइंट कर लिया और चौथा भी हम सेम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे अब हमने यहाँ पे तीन बना रखा है पहले से ही तीन लाइन ये चौथे वाले लाइन को फिर छः चैन बनाएंगे सबसे पहले बना लिए छः चैन अब इसको इन तीनों में पहले ज्वाइंट करेंगे यहाँ से इन तीनों में ये धालपुर से स्क्वायर शेप में होगा अब हमने यहाँ पे छः चैन बना लिया छः चैन बना के और जो फिर इसके नेक्स्ट वाला चैन है वहाँ पे सिंगल से हमें इसको ज्वाइंट कर देना है कर लिया ज्वाइंट ऐसे ही करके हम पहले इस तीनों में इसको ज्वाइंट करेंगे फिर ये जब हो जाएगा ज्वाइन तो फिर इन तीनों में तीन से ज्वाइंट करेंगे और फिर उसके बाद तीन बारह बारह चैन वाला बना लेंगे बना लिया पूरा देखिए ज्वाइंट कर लिया पूरा अब मैं पूरा थाल बना के दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा लगेगा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये थाल आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं और चाहे तो इसमें लास्ट में इसको झालर भी बना सकते हैं मैंने झालर नहीं बना रखा है आप चाहे तो इसके लास्ट में झालर बना सकते हैं और भी प्यारा लगेगा ये और आप इसे चाहे तो एक कलर में दो कलर में या फिर चाहे जितनी भी मर्जी कलर में बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना थैंक यू